अच्छा है, क्योंकि हमें मंदिरों में जाकर के आरती उतारने की भी हमें इजाजत नहीं रहती है। हम मजबूर होके बौद्ध धर्म में गए हैं, नहीं तो हम अपना भी कोई काट छोड़ने के लिए वो नहीं है कि हाँ जी अब कोई अपना घर छोड़ेगा, कोई अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। जिस धर्म में हमारी बूझ हो, हमें कुछ हक मिले, हमारे विचारधाराओं को सुनने वाला हो कोई, तो इस प्रकार मेरा अपना ये विचार ये भाव बना, इसलिए मैंने इस धर्म को अपनाया। हिंदू कौन मानता है इनको, इस वजह से हमने बौद्ध धर्म अपनाया। ये हमारी जरूरत भाई जब पड़ती है, जब ठाकुरों से सुवर्णों से झगड़ा होता है ना मुसलमानों का या किसी और अदर कास्ट का, तो हमें घंटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि चलो शोर मचाओ और वहाँ चलो। हम हिंदू नहीं है ना, हम मुसलमान है, हम उस वक्त हिंदू हो जाते हैं। जहाँ पे जाते हैं काम करते हैं, एक गिलास पानी पीने की भी क्या हमारी औकात नहीं है? अगर हम तुम्हारे घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे तो क्या तुम्हारे हम खाट पर नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं? क्या हम तुम्हारे घर से गिलास लेकर के पानी नहीं पी सकते हैं? जब तुम्हारा बर्तन साफ कर सकते हैं तो हम कोठियों में भी जाते हैं ना काम करने, तो पहले पूछते हैं आप कौन हो, हम कहते हैं एससी, तो कहते नहीं नहीं तुम लोगों के लिए काम नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, हम पहले हमारे चाचा ताओ ने झाड़ू से पाल दिया हम लोगों को, अब हम कोठियों में भी जाते हैं काम करने, चलो इसी के जा रहे बच्चे पाल लेंगे, अब उस वो भी जरिया खत्म है कि एससी वालों को हम घर में नहीं आने देंगे, हम अंदर नहीं करा सकते, फिर हम अपने बच्चे पालेंगे कैसे? मैं कम से कम 50 वर्ष से सत्संग चलाता हूँ, सर्व धर्म सत्संग के नाम से चलाता हूँ। उसे मैंने ये देखा कि आज भी हम लोगों को जब हम मंच पर गद्दी पर भी होते हैं तो वहाँ से कुछ लोगों को पता है बाबा जी का ज्ञान तो बहुत अच्छा, मगर सब जो है जाति शब्द जो शब्द आते हैं कि भाई बाबा जी वाल्मीकि भंगी से हैं या वाल्मीकि हैं, तो लोगों के अंदर काफ़ी घृणाएँ पैदा हो जाती हैं। जब मैंने ये ऐसा देखा तो अब हमें पता लगा कि भाई जीवन यहाँ बीता जा रहा है, इन शब्दों को कब तक हम ग्रहण करते रहें। तो मैंने ये देखा कि भाई हम ऐसे धर्म को क्यों ना अपनाएं जिस धर्म में हमारी बूझ हो, हमें कुछ हक मिले, हमारे विचारधाराओं को सुनने वाला हो कोई, तो इस प्रकार मेरा अपना ये विचार ये भाव बना, इसलिए मैंने इस धर्म को अपनाया। नौकरी के लिए अप्लाई करता हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिलती, लॉकडाउन से पहले कहीं काम करता था मैं, उस फैक्ट्री ने मुझे निकाल दिया और उसके बाद अब मैं 2-3 जगह गया फैक्ट्रियों के अंदर, आधार कार्ड हाँ बाल्मीक समाज के से मैं आधार कार्ड लेके गया था तो पियोन की जगह खाली थी उधर, वहाँ लिखा हुआ देखा मैंने, तो मैंने उनसे बात करी भैया पियोन के लिए जगह आपको यहाँ, कहले हाँ भैया है, उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा तो उसके ऊपर वाल्मीकि लिखा हुआ था और उन्होंने देखा कि वाल्मीकि समाज से है तो उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया कि भैया हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। तो बताओ हम कहाँ जाएं, बाल्मीकि समाज होना क्या इतनी गुनाहवाद है? हेल्प नहीं भी ले रहे हैं हमको, तो भूख मरने की तो हमारी नौबत आएगी, जो हमारे घर में कुछ है नहीं, ना रोजगार है ना नौकरी है ना कुछ है, सारे सब बेकार हुए पड़े हैं। और भाई हम अपने महाराज जी के इंद्रदास जी महाराज जी के समर्थन में हैं, जो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है और इस वजह से अपनाया है कि हमारे वाल्मीकि समाज के साथ में सदा से भेदभाव हुआ है और सदा ही भेदभाव होगा, और बौद्ध धर्म हमने सोच समझ करके अपनाया है, पूरे परिवार ने पूरे समाज ने। हाथरस कांड की वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे अपने गाँव में ही कैंडल मार्च निकाला जा रहा था तो हमारे गाँव के ठाकुर कहते हैं कि तुम लोगों के साथ में इसी तरह से अत्याचार होगा, जो तुम पर हो कर लेना। और 14 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक था और वो हमारी खुशकिस्मती थी कि बाबा साहब अंबेडकर के अंश उनके पोते राजरत्न अंबेडकर यहाँ पर आए और हम सबको दीक्षा दी। हमारी जरूरत भाई जब पड़ती है, जब ठाकुरों से सुवर्णों से झगड़ा होता है ना मुसलमानों का या किसी और अदर कास्ट का, तो हमें घंटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि चलो शोर मचाओ और वहाँ चलो। हम हिंदू नहीं है ना, हम मुसलमान है, हम उस वक्त हिंदू हो जाते हैं। और अगर आज ही हमारा झगड़ा इन लोगों से हो जाए तो हमें हिंदू घोषित नहीं किया जाएगा, हमें दलित और वाल्मीकि कहा जाएगा।
दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।